क्रोला 2005, कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट हो के फौरन बंद हो जा रही है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है उसी टाइम बंद हो जाती है। टोयोटा क्रोला 2005, अभी गाड़ी को चेक करते हैं। तो गाड़ी को अभी स्टार्ट हो गया, अभी फौरन बंद हो गया, स्टार्ट होके बंद हो जा रही है। तो ये एक कॉमन मसला है इसका। तो अब इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा कोड आता है, कोड कौन सा आ रहा है इसमें। तो इसमें जो कोड बांध रहे P1310 इग्नाइटर सर्किट 3, इग्निशन नंबर 3 का जो इग्निशन कॉइल है वो शॉर्ट हो गया है, तो इस वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है P1310। तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं 3 नंबर कॉइल कौन सा है। P1310, अभी इसको खोलते हैं क्या हुआ कि एक इग्निशन कॉइल से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इग्निशन कॉइल में टोटल 4 वायर है, पिन नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 और 4 पावर ग्राउंड है, 2 नंबर जो है इग्नाइटर का है, 3 नंबर सिग्नल आता है कंप्यूटर से, 1 2 3 ये तीसरा कॉइल है इसमें मसला है। अब इसको खोलते हैं और दूसरा कॉइल लगा के चेक करते हैं। तो ये कॉइल है, ये आफ्टर मार्केट कॉइल किसी ने डाला है, सब डुप्लीकेट चाइना का। ये बहुत डेंजर है इंजन कंप्यूटर के लिए, कभी कभी इंजन कंप्यूटर को भी उड़ा देता है। तो पिन नंबर 1 में पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल, उसके बाद पिन नंबर 2 इग्नाइटर का है, पिन 3 सिग्नल आता है कंप्यूटर से, और पिन 4 ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो इसका इग्नाइटर का वायर है ये कहीं पे शॉर्ट भी नहीं है, तो 100% इसका प्रॉब्लम है इग्निशन कॉइल के अंदर। चारों कॉइल का जो पॉजिटिव है ये आपस में एक ही फ्यूज से आते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, पॉजिटिव और ग्राउंड और IGF पिन नंबर 2 सब कॉइल का आपस में जुड़े होते हैं। एक वायर कंप्यूटर में जाता है, तीनों कॉइल का एक ही वायर कंप्यूटर में जाता है। तो अभी कॉइल के बगैर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्रोला में ये खूबी है। अभी हमने कैमरी का लगा दिया है और गाड़ी को स्टार्ट किया है, अभी बिल्कुल स्टार्ट ऑन, ज़बरदस्त स्टार्ट हो रहा है। तो एक कॉइल की वजह से पूरा गाड़ी डिस्टर्ब हो गया था। ये आफ्टर मार्केट कॉइल जो है इसमें ये मसला अक्सर आता है, जो आफ्टर मार्केट इग्निशन कॉइल लोग लगाते हैं। ये अमेरिका है, फिलहाल मेरे पास दूसरा दस्तियाब नहीं है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है एक कॉइल की वजह से P1310। तो कॉइल है जिसके 4 वायर है, 4 नंबर जो है ग्राउंड है, और इसका जो एक नंबर है ये एक नंबर ये पी पॉजिटिव है। तो ग्राउंड और पॉजिटिव सब इग्निशन कॉइल का आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, और एक ग्राउंड के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह पॉजिटिव एक नंबर वायर भी सब इग्निशन कॉइल का एक ही फ्यूज़ आता है, आपस में जॉइंट है और कनेक्टेड है।
इस तरह IGF पिन नंबर 2 यहाँ पे मसला आता है। जब कोई कॉइल आप निकालते हैं तो कंप्यूटर का इससे बैकअप सिग्नल मिलता है, इग्नाइटर कोर ये इससे आते हैं 2 नंबर वायर से। तो ये वायर भी आपस में सब कॉइलों का आपस में जुड़ा हुआ है, ये जंक्शन से 1, 2 और ये 3 और ये 4, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक वायर सीधा जाता है फिर कंप्यूटर में, इसका ये वाला कनेक्टर कंप्यूटर में जाता है ये वाला वायर, और 1, 2, 3 ये तीनों कॉइल के साथ अटैच है, चारों कॉइल के साथ। तो किसी भी टोयोटा कोरोला में किसी भी कॉइल में अगर ये सिग्नल नहीं आए कंप्यूटर को, IGF सिग्नल ये 2 नंबर इस वायर में या ये शॉर्ट हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। अगर आप इसका वायर भी डिसकनेक्ट करेंगे तो फिर भी कंप्यूटर को 3 इग्निशन कॉइल का सिग्नल जाता है, इसका नहीं जाता, फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। ये इसका डायग्राम है, 4 नंबर ग्राउंड है, 1 नंबर पॉजिटिव है बी पॉजिटिव, और जो 2 नंबर है ये IGF इग्नाइटर जो कंप्यूटर को सिग्नल जाता है। तो ये जो है ये वायर हर कॉइल का अलग अलग कंप्यूटर में जाता है सिग्नल। 3 नंबर IGT ये कंप्यूटर में अलग अलग जाता है, बाकी सब वायर आपस में कनेक्टेड है।